Hello, this is Avdesh Jadhav. We are live now on the channel Rajmata Anand Kumari Public School. And now, today we discuss about Rise Up GK, some quotes, important facts about inside the body. Good o'clock all of you. On behalf of Rajmata Anand Kumari Public School, I welcome you all. Let's start. Inside the body topic. Fill in the missing letters to answer these questions. At first, what are the two holes in your nose called? Blank. That is the letter. It starts with N and ends with S and has a T in between. T. Guess the number. What is these two holes of nose called? These are called nostrils. N-O-S-T-R-I-L-S. Nostrils. These are the nostrils. That nostrils, air enter through nostril. Part of our breathing system. Second one, what is the name of the long pipe that shifts food from the back of your throat down to your stomach? भोजन एक लंबे पाइप के द्वारा हमारे मुंह से पेट तक पहुंचाने का काम किसका होता है? जो भोजन को हमारे मुंह में वापस आने से भी रोकता है और स्टमक तक भी पहुंचाता है. That is known as esophagus. E-S-O-P-H-A-G-U-S. Esophagus. Third one. What do you call bones around your chest that protect organs such as the heart and the lungs? हमारे शरीर में सॉफ्ट ऑर्गन होते हैं, हमारा हार्ट और लंग सॉफ्ट ऑर्गन है. इनको प्रोटेक्शन प्रोवाइड करने के लिए ये बोन्स के कवर से प्रोटेक्टेड हैं. एक पिंजड़ा टाइप स्ट्रक्चर है, केज टाइप बना हुआ हड्डियों का, बोन्स का, जिससे ये हार्ट और लंग्स सुरक्षित रहते हैं. तो इन हड्डियों को एक पार्टिकुलर नेम में रिब्स कहते हैं या हम रिब केज कहते हैं. और ये रिब केज ह्यूमन में, ये रिब्स कितने होते हैं ह्यूमन में? ये रिब केज है 12 पेयर्स. पेयर में डिवाइड करते हैं, आगे स्टर्नम से अटैच रहते हैं और इन द बैक साइड वर्टिब्री कॉलम स्पाइनल कॉर्ड से अटैच रहते हैं. तो ये 12 पेयर हैं. अगर सिंगल इंडिविजुअल नंबर में बोले तो 24. वन पेयर बिलोंग टू टू, तो 12 पेयर या 24 रिब्स होते हैं. नेक्स्ट फोर, योर टंग इज होम टू स्पेशल स्ट्रक्चर्स दैट अलाउ यू टू एक्सपीरियंस टेस्ट्स सच एज सोल, स्वीट, बिटर एंड साल्टी. व्हाट आर दे कॉल्ड? हमारी जीभ पर टेस्ट बर्ड्स पाई जाती हैं, अलग अलग स्पेस, अलग अलग टेस्ट बर्ड्स, जिससे कि हमें विशेष प्रकार के स्वाद का पता चलता है. जैसे नमक का, मीठे का, चटपटे का, हमारे जीभ के अलग अलग हिस्से हमें जानकारी देते हैं. इनको क्या कहते हैं? टेस्ट बर्ड्स कहते हैं. टी ए एस टी ई बी यू टी एस. हमारे जीभ के अगले हिस्से से हमें सॉल्ट का पता चलता है या स्वीट का पता चलता है. एक के किनारे किनारे बीच में चटपटे का पता चलता है और लास्ट थ्रोट के पास बैक साइड से हमें बिटर टेस्ट का पता चलता है, कड़वे का पता चलता है. तो ये टेस्ट बर्ड्स होती हैं 3 टाइप्स की हमारे टंग. नेक्स्ट, व्हाट डू यू कॉल द फ्लो ऑफ ब्लड थ्रू योर हार्ट एंड अराउंड योर बॉडी? हमारी बॉडी में ब्लड का जो फ्लो होता है
ऑलमोस्ट थ्रू आउट द बॉडी, हमारे पूरे शरीर में हृदय से रक्त का संचार जो पूरे शरीर में होता है, इस संचार को ही हम सर्कुलेशन कहते हैं। CIRCULATION, सर्कुलेशन। As we know, blood circulation completely. Sixth one, which body organ is made of cardiac muscles? Cardiac muscles, cardiac is a word, special word that related to our heart. ये cardiac muscles, cardiographer, ये heart से संबंधित सभी word है. Cardiac मतलब heart. तो cardiac muscles कहाँ पर होंगी? हमारे हार्ट में होंगी, ऑफिशियली HEART, हार्ट। सेवन, हाउ मेनी चैम्बर्स आर देयर इन द ह्यूमन हार्ट? ह्यूमन हार्ट में कितने चैम्बर का होता है? 4 चैम्बर होते हैं, लेफ्ट एट्रियम, राइट एट्रियम, लेफ्ट वेंट्रिकल, राइट वेंट्रिकल, ये 4 चैम्बर होते हैं ह्यूमन हार्ट में, तो 4 लिखते हैं FOUR. एट, विच सिस्टम रिमूव्स वेस्ट प्रोडक्ट फ्रॉम द ह्यूमन बॉडी? ह्यूमन बॉडी से वेस्ट प्रोडक्ट को शरीर से बाहर निकालने की प्रक्रिया एक्सक्रीशन कहलाती है, और ये एक्सक्रीशन में जो भी ऑर्गन इन्वॉल्व है उन सभी ऑर्गन्स को मिलाके हम कहते हैं एक्सक्रेटरी सिस्टम। तो वेस्ट प्रोडक्ट को रिमूव करने वाला सिस्टम कौन सा है? एक्सक्रेटरी सिस्टम, EXCRETORY SYSTEM. एक्सक्रेटरी सिस्टम। 9th, विच इज द लार्जेस्ट जॉइंट इन द ह्यूमन बॉडी? हमारे शरीर में सबसे बड़ा हड्डियों में जॉइंट कहां पर है? सबसे बड़ा जॉइंट होता है हमारे नी जॉइंट, KNEE, घुटने का जो जॉइंट होता है सबसे बड़ा जॉइंट। 10th, विच ऑर्गन इन द ह्यूमन बॉडी इज ऑल्सो कॉल्ड द वॉइस बॉक्स? हमारी बॉडी का कौन सा हिस्सा वो हम वॉइस बॉक्स के नाम से भी जानते हैं? तो ये होता है लैरिंग्स, LARYNX, लैरिंग्स। ये हमारे थ्रोट में होता है, गले में होता है लैरिंग्स, इसी को हम वॉइस बॉक्स के नाम से भी जानते हैं। सो दैट्स ऑल अबाउट टुडे, थैंक्स, हैव अ नाइस डे।